नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अरोड़ा और आज मैं इंडियन हॉबी क्लब में नमस्कार कपिल जी जी। से खास नमस्कार जी। खास चीज पूछने के लिए आया हूँ। एक्चुअली क्या है, पीछे आपने देखा होगा ये वीडियो में इस किताब के बारे में जानकारी दी गई थी, और आज मेरे हाथ में ये दो सिक्के आप देखेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर के ये दो सिक्के मेरे हाथ में आए, और ये मैं एक तरह की एक फीलिंग है अचीवमेंट की कि इस किताब की सहायता से 173 नंबर पेज पर डाई वैरायटी दी हुई है रविन्द्रनाथ टैगोर के कॉइन्स की। तो मैं कपिल जी से बोलूंगा कि एक तो वेरीफाई करें कि क्या मैंने ये खोज सही करी है। और सर देखिए, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो कॉइन आपने देखा है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कॉइन हैदराबाद मिंट का। ये खासियत है इस कॉइन की, हैदराबाद मिंट का है ये। सिर्फ हैदराबाद मिंट के कॉइन में ही ये डाई वैरायटी आती है। इसके अलावा इसमें चार मिंट आती हैं, चारों मिंट में आपको ये नहीं मिलेगा। कई जने सिर्फ ये हैदराबाद की ही सिर्फ मिंट में। हैदराबाद में, कई जने इसमें एक अनदेखी क्या करते हैं कि वो एक सिक्का कलकत्ता का ले लेते हैं, एक बॉम्बे का ले लेते हैं, तो दोनों के लॉइन में फर्क होता है। फिर वो तो देखते हैं फिर कि डाई वैरायटी हो गई। डाई सर वैरायटी समझ डाई गया। तो वैरायटी उसे कहते हैं जहां पर एक मिनट के अंदर दो अशोक लॉइन यूज करे जाते हैं। ये दोनों हैदराबाद के ही हैं, चेक ये करके बिल्कुल सही है सर, दोनों हैदराबाद के हैं तो तभी मैं बोल रहा हूँ एक और ये सेंस हमने ऑफ। किताब में दे रखा है, 173 पेज नंबर पे दे रखा है। दोनों की फोटो भी दे रखी है। इस किताब की और हेल्प से ही मुझे ये कॉइन की तो आइडेंटिफिकेशन हुई, और मेरे को तभी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो रही है दोस्तों, कि इस किताब की हेल्प से मैं ये ढूंढ पाया। इस तरह के कई कॉइन्स आते हैं जो जी कि डाई वैरायटी में आते हैं, जिसमें अशोका लॉइन छोटा बड़ा आता है। उसके लिए यदि आप डिटेल चाहते हैं तो हमारी बुक भी खरीद सकते हैं, और उसमें हमने डिटेल दे रखी है कि किन किन कॉइन्स के अंदर ये डाई वैरायटी आती है। और तो ये कपिल जी ये बताइए, जैसे आपने कहा कि एक मुंबई का मिला लेते हैं, और तो हम कैसे पहचाने कि कौन सा मुंबई सर, का है कौन सा इसमें है? मिंट मार्क होता है। हमारे देश में चार जगह टकसार हैं जहाँ पे सिक्के बनते हैं। एक है कलकत्ता, बॉम्बे, जी हैदराबाद और नोएडा। सबका एक मिंट मार्क अपना अलग होता है। चलो अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, ये देखिए, पहले ये देखिए, दोनों रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और ये स्टार मिंट मार्क दे रखा है, जिससे ये पता चलता है कि हैदराबाद मिंट है। अब हम इसका उल्टा करके देखते हैं। ये देखिए, इसमें अशोका लाइन बड़ा है, इसमें अशोका लाइन छोटा है, जबकि रेगुलर जो होता है वो ये वाला होता है। इसमें हैदराबाद मिंट में ये वाला स्क्वायर है, तो ये सेट एक कनेक्टेबल सेट है इस तरह के इसमें हैं। इसके लाइन में मैंने एक जो खास चीज नोट की, जो फर है, जो शेर के बाल जो होते हैं उसमें, उससे भी आइडेंटिफाई होता है कि इसमें फर की जो वो फ्लो सर है वाला। सबसे आसान तरीका है साइज का। आप साइज देखोगे तो एक्चुअली जब भी आप कोई सिक्का देखे ना, पहले आप एक बार हमारी किताब को रीड करें, उससे क्या है आपके जहन में आएगा कि इसमें कितनी वैरायटी आती है, कितने जैसे कितने तरह के आपने लाइन आते हैं। जैसे आपने हमने किताब के फ्रंट में दे रखा है कि कितने लॉइन आते हैं 5 रुपए में। उससे क्या होगा, आपके जहन में आ जाएगा मिलने के लिए कि हाँ भाई ये है 160 पेज नंबर, इसमें जितने पेज जितने 5 रुपए में लॉइन वैरायटी आती है, हमने सारी लॉइन वैरायटी देखी है। टोटली ये 18 तरह की लाइन वैरायटी इसके अंदर तो है। इससे आप ये आराम से पहचान सकते हो कि कौन सा लॉइन वैरायटी चेंज हुआ है, जो सिक्कों में फर्क आया सिक्कों है। में फर्क आ गया। बहुत अच्छे, काफी अच्छे से इस किताब के अंदर सर हमने एक्सप्लेन किया हुआ कोशिश है। तो इसको बेहतर जी बनाने की थी, अभी आपके और हिंदी वाले वर्जन में आ जाने से जो है ना, हिंदी के सर सब इसी दर्शकों के के लिए लिए हमने एक हिंदी वर्जन भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि शायद नेक्स्ट मंथ तक आपके पास मार्केट में मार्केट अवेलेबल में आ होगा। जाएगी। बहुत और खूबसूरत। उसमें हमने डाई वैरायटी और म्यूल का कोशिश की है कि प्राइस भी डालें। तो इस हिसाब से मुझे 100 में से 100 नंबर मिले सर। सर ये बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही छाटा। तो इसी इसका तरीके से इसका वैल्यू क्या समझते हैं इसका आप? वैल्यू सर, सेट का वैल्यू होता है करीबन 200 से 250 रुपये, 200 से 250 यदि ये के बीच यूएनसी में। कंडीशन में है। यदि नॉर्मल सर्कुलेशन में है तो मान के चलिए सर 100 से 150 रुपये। अच्छा, इसको प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या रखना चाहिए? सर इसको इसको कॉइन होल्डर में यूज करते हैं कॉइन होल्डर में ही हम रखना तो चाहिए। कंबाइन कॉइन होल्डर यूज कर लेते हैं बिना मोड़े। दो जी कॉइन होल्डर यूज करें, उसको एक साथ अच्छा, लगा ऐसे दिया। ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ, बता सकते हैं। जैसे ये कॉइन होल्डर है एक जनरल, हमने एक सिक्का बिना मोड़े इसको एक इधर रखा,
एक इधर रखा, इसके ऊपर दूसरा कॉइन होल्डर रखा, और और ये ऐसे चारों बैठा तरफ से दिया। स्टेपल कर दिया, तो ये सेट बन गया एक, ये इस तरीके से सेट। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, तो इससे और आप दोनों सिक्कों की वैरायटी एक साथ दिखा सकते एक हैं। साथ चुक जाएगी ये, मतलब मिसिंग भी नहीं। और यहाँ हम इस पर लिख भी सकते हाँ जी हैं सर, कि ये कौन सा लाइन टाइप वन है, लाइन टाइप टू है। बाकी इसी तरीके की यदि आपको और वैरायटी के बारे में जानना है तो या तो आप हमारी किताब खरीदिए या फिर हमें सब्सक्राइब करते रहिए। हम नेक्स्ट एक दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊं, मैं इसका मैं एपिसोड 2 भी लेके आऊंगा। इसमें एक एपिसोड 2 में मैं क्या चीज दिखाने वाला हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर का एक म्यूल सिक्का आता है जिसमें कि डिनोमिनेशन ही नहीं होता, वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। ये भी इस किताब में ये शायद भी इस दिया। किताब में मैंशनड है, ये भी 173 पेज नंबर पे दिया हुआ है, उसमें डिनोमिनेशन नहीं है। तो अब उसको आप टोकन कहोगे या करेंसी कहोगे ये मुझे पता नहीं, मैं लेकिन तो है सिक्का ही। इस किताब को लेके बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसने निश्चित रूप से मेरी नॉलेज में और कलेक्शन में इजाफा किया है। वेरी वेरी थैंक एक्चुअली ये डाई वेराइटी यू। और म्यूल आजकल ट्रेंड में है, और हाँ हिंदुस्तान में अभी तक ऐसी कोई किताब नहीं निकली हमारे अलावा जो कि डाई वेराइटी और म्यूल की वेराइटी देती है कपिल जी, ज्यादातर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों के लिए भी, और ये किताब आपने निकाल के ना ओके बहुत अच्छा सर, काम किया। तो नमस्कार दोस्तों, वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड का नई जानकारी। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अरोड़ा, और आज मैं इंडियन हॉबी क्लब में नमस्कार कपिल जी जी, से एक खास नमस्कार जी। खास चीज पूछने के लिए आया हूँ। एक्चुअली क्या है, पीछे आपने देखा होगा ये वीडियो में इस किताब के बारे में जानकारी दी गई थी, और आज मेरे हाथ में ये दो सिक्के आप देखेंगे तो, रविंद्रनाथ टैगोर के ये दो सिक्के मेरे हाथ में आए, और ये मैं एक तरह की एक फीलिंग है अचीवमेंट की, कि इस किताब की सहायता से 173 नंबर पेज पर डाई वैरायटी दी हुई है रविन्द्रनाथ टैगोर के कॉइन्स की। तो मैं कपिल जी से बोलूंगा कि एक तो वेरीफाई करें कि क्या मैंने ये खोज सही करी है, और सर देखिए, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉइन आपने देखा है ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कॉइन हैदराबाद मिंट का। ये खासियत है इस कॉइन की, हैदराबाद मिंट का है ये, सिर्फ हैदराबाद मिंट के कॉइन में ही ये डाइवेराइटी आती है। इसके अलावा इसमें 4 मिंट आती हैं, चारों मिंट में आपको ये नहीं मिलेगा। कई जने सिर्फ ये हैदराबाद की ही सिर्फ मिंट में। हैदराबाद में, कई जने इसमें एक अनदेखी क्या करते हैं कि वो एक सिक्का कलकत्ता का ले लेते हैं, एक बॉम्बे का ले लेते हैं, तो दोनों के लॉइन में फर्क होता है, फिर वो तो देखते हैं फिर कि डाई वैरायटी हो डाइवरेटी गई। सर डाइवरेटी समझ डाई गया। वैरायटी उसे कहते हैं जहां पर एक मिनट के अंदर दो अशोक लॉइन यूज करे जाते तो हैं। ये दोनों हैदराबाद की ही हैं, चेक ये कर बिल्कुल लीजिए। सही है सर, दोनों हैदराबाद के हैं, तो तभी मैं बोल रहा हूँ एक और ये सेंस हमने ऑफ किताब में दे रखा है, 173 पेज नंबर पे दे रखा है, दोनों की फोटो भी दे रखी है। इस किताब की और हेल्प से ही मुझे ये कॉइन की तो आइडेंटिफिकेशन हुई, और मेरे को तभी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो रही है दोस्तों कि इस तरह इस किताब की के हेल्प से मैं ये ढूंढ पाया। इस तरह के कई कॉइन्स आते हैं जो जी कि डाइवरेटी में आते हैं जिसमें अशोक लॉइन छोटा बड़ा आता है। उसके लिए यदि आप डिटेल चाहते हैं तो हमारी बुक भी खरीद सकते हैं, और उसमें हमने डिटेल दे रखी है कि किन किन कॉइन्स के अंदर ये डाइवरेटी आती है। और तो ये कपिल जी ये बताइए, जैसे आपने कहा कि एक मुंबई का मिला लेते हैं, और तो हम कैसे पहचाने कि कौन सा मुंबई सर का है कौन सा इसमें नहीं। मिंट मार्क होता है, हमारे देश में 4 जगह टकसार हैं जहाँ पे सिक्के बनते हैं, एक है कलकत्ता, बॉम्बे, जी हैदराबाद और नोएडा, सबका एक मिंट मार्क अपना अलग होता है। चलो अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे वेरीफाई करते हैं, ठीक है। ये देखिए, पहले ये देखिए दोनों रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और ये 4 मिंट मार्क दे रखा है जिससे ये पता चलता है कि हैदराबाद मिंट है। अब हम इसका उल्टा करके देखते हैं, ये देखिए इसमें अशोक लाइन बड़ा है, इसमें अशोक लाइन छोटा है, जबकि रेगुलर जो होता है वो ये वाला होता है, इसमें हैदराबाद मिंट में ये वाला स्केयर है। तो ये सेट एक कनेक्टेबल सेट है इस तरह के इसमें हैं। इसके लॉइन में मैंने एक जो खास चीज नोट की, जो फर है, जो शेर के बाल जो होते हैं उसमें, उससे भी आइडेंटिफाई होता है कि इसमें फर की जो वो फ्लो है वो सबसे अलग। आसान तरीका है साइज का, आप साइज देखोगे तो एक्चुअली जब भी आप कोई सिक्का देखे ना, पहले आप एक बार हमारी किताब को रीड करें,
उससे क्या है आपके जहन में आएगा कि इसमें कितनी वैरायटी आती है, कितने जैसे कितनी तरह आपने की लाइन आते हैं। जैसे आपने हमने किताब के फ्रंट में दे रखा है कि कितने लॉइन आते हैं 5 रुपए में, उससे क्या होगा आपके जहन में आ जाएगा मिलने के लिए कि हाँ भाई ओके ये है 160 पेज नंबर, इसमें जितने पेज जितने 5 रुपए में लॉइन वैरायटी आती है हमने सारी लॉइन वैरायटी देखी है टोटल ये ये, 18 तरह की लाइन वैरायटी इसके अंदर तो है। इससे आप ये आराम से पहचान सकते हो कि कौन सा लॉइन वैरायटी चेंज हुआ है जो सिक्कों में फर्क आया सिक्कों है। में फर्क आ गया। बहुत अच्छे, ये काफी अच्छे से इस किताब के अंदर सर हमने एक्सप्लेन किया हुआ कोशिश है। तो इसको बेहतर बनाने की थी, अभी आपके और हिंदी वाले वर्जन में आ जाने से जो है ना हिंदी के सर इसी शब्दार्थों के के लिए लिए हमने एक हिंदी वर्जन भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि शायद नेक्स्ट मंथ तक आपके पास मार्केट में मार्केट अवेलेबल में आ होगा, जाएगी। बहुत और खूबसूरत, उसमें हमने डाई वैरायटी और म्यूल का कोशिश की है कि प्राइस भी डालें। तो इस हिसाब से मुझे 100 में से 100 नंबर मिले सर। सर ये बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही छाटा। तो इसी तरीके इसका से इसका वैल्यू क्या समझते हैं इसका आप? वैल्यू सर सेट का वैल्यू होता है करीबन 200 से 250 रुपये 200 से 250 यदि ये रुपए में यूएनसी सर। कंडीशन में है, यदि नॉर्मल सर्कुलेशन में है तो मान के चलिए सर 100 से 150 रुपये। अच्छा, इसको प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या रखना चाहिए? सर इसको इसको कॉइन होल्डर में यूज करते हैं कॉइन होल्डर में ही हम रखना तो चाहिए कंबाइन कॉइन होल्डर यूज कर लेते हैं बिना मोड़े, दो जी। कॉइन होल्डर यूज करे उसको एक साथ अच्छा, लगा ऐसे दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे ये कॉइन होल्डर है एक जनरल, हमने एक सिक्का बिना मोड़े इसको एक इधर रखा एक इधर रखा, इसके ऊपर दूसरा कॉइन होल्डर रखा और और ये ऐसे चारों लगा तरफ दिया। से स्टेपल कर दिया, तो ये सेट बन गया एक ये इस तरीके से सेट। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। तो इससे और आपको दोनों सिक्कों की वैरायटी एक साथ दिखा सकते एक हैं। साथ चुक जाएगी ये, मतलब मिसिंग भी नहीं। और यहाँ हम इस पर लिख भी सकते हाँ जी हैं सर, कि ये कौन सा लाइन टाइप 1 है, लाइन टाइप 2 है। बाकी इसी तरीके की यदि आपको और वैरायटी के बारे में जानना है तो या तो आप हमारी किताब खरीदिए या फिर हमें सब्सक्राइब करते रहिए। हम नेक्स्ट एक दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊं, मैं इसका मैं एपिसोड 2 भी लेके आऊंगा, इसमें एक एपिसोड 2 में मैं क्या चीज दिखाने वाला हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर का एक म्यूल सिक्का आता है जिसमें कि डिनोमिनेशन ही नहीं होता, वो मैं आपको कल दिखाऊंगा, ये भी इस किताब में ये शायद भी इस दिया किताब है। में मैंशन है, ये भी 173 पेज नंबर पे दिया हुआ है, उसमें डिनोमिनेशन नहीं है, तो अब उसको आप टोकन कहोगे या करेंसी कहोगे ये मुझे पता नहीं, मैं लेकिन तो है सिक्का ही। इस किताब को लेके बहुत खुश हूँ क्योंकि इसने निश्चित रूप से मेरी नॉलेज में और कलेक्शन में इजाफा किया है। वेरी वेरी थैंक एक्चुअली ये डाई वैरायटी यू। और म्यूल आजकल ट्रेंड में है और हाँ हिंदुस्तान में अभी तक ऐसी कोई किताब नहीं निकली हमारे अलावा जो कि डाई वैरायटी और म्यूल की देती है कपिल जी, आपका ज्यादातर। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों के लिए भी। और ये किताब आपने निकाल के ना ओके बहुत अच्छा सर काम किया। तो नमस्कार दोस्तों, वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड का, नई जानकारी। धन्यवाद।